छोटी क्लिप्स बड़े आइडियाज। चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। क्या हो गया जब आप लाइफ में उस फेज में होते, क्योंकि लाइफ में ना नॉर्मली क्या होता है कि लोग जब इस तरह का सिचुएशन फेस करते हैं कभी भी लोग उठ नहीं पाते जी। बहुत कम लोग होते हैं, मेरे को लगता है 5-10% लोग ऐसे होते हैं जो उठ पाते होंगे। करेक्ट, आप परसेंटेज में फिर भी ज्यादा ही बोल रहे हैं। शायद ज्यादा बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपको किस चीज ने उठाए रखा? एक तो मोटिवेशन मेरे को समझ में आया, एक नेगेटिव मोटिवेशन कि किसी ने आपको ऐसा बोला जी। मेरा फेवरेट कोटेशन अमित जी आज और ये 2014 से वही है और बच्चे पूरे जीवन वही रहेगा, और वो कोटेशन है द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। कि आप मुंह से बदला मत लो, आप हाथ पैर से बदला मत लो, आप अपने काम से बदला लो। मुझे बचपन से मैं एक चीज़ देखा, जब सचिन तेंदुलकर साहब खेलते थे तो उनके कुछ आखिरी साल जो रहे हैं उनके क्रिकेट करियर के, आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, तब बीच में बार बार ऐसा होता था कि 4 पारियां 5 पारियां अगला नहीं खेल पा रहा है ठीक से, और तुरंत हर जगह मतलब पेपर्स से, मीडिया से, न्यूज़ से कि अब इनको संन्यास लेना चाहिए, अब इनमें क्रिकेट नहीं बचा है, इस तरीके की चीज़ें होती थी, और फिर वो आदमी उतरता था। अब उसको कितना प्रेशर होता होगा क्योंकि उसको मालूम है पूरा देश उसके बारे में क्या सोच रहा है। फिर वो आदमी, और आप कभी नहीं सुनेंगे मिस्टर सचिन तेंदुलकर ये बोल रहे हो कहीं पे कि गलत बोल रहे हैं सब या मैं वो, कुछ नहीं। फिर वो आदमी एक दिन उतरता था और फिर 100-150 रन मार के उतनी शांति से वापस चला जाता था, और फिर सब चुप होते थे, फिर ये उसके साथ फिर होता था, और ऐसे ही करते करते वो आदमी एक दिन दुनिया का पहला आदमी बना जो वनडे में 200 रन मार दिया। अपने करियर के ढलान पे उन्होंने 200 रन मारा था। आप अमिताभ बच्चन साहब को कभी भी वो जब उनकी कोई भी बुराई होती है तो उनको बोलते हुए नहीं सुनेंगे उसके बारे में कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जवाब वो भी देते हैं अपने काम से। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति ये बोलता है कि उसको ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, बदला लेने की भावना उसके अंदर नहीं आती है, वो झूठ बोलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी पे गुस्सा आए, कोई आपका नुकसान करे और आपको उसको उसका मुंह तोड़ देने का मन ना करे। लेकिन फिर वहीं पे आपको समझाना पड़ता है कि आप उसको थप्पड़ मार देंगे, उसको 4 गालियां दे देंगे तो आप तो एक बार करेंगे और ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपने आप को इतना ऊपर उठा देंगे कि उस बात से उसको जीवन भर का दुख हो जाएगा, यार इससे बिगाड़ नहीं करनी चाहिए थी, ये काम आता, अरे यार इसके बारे में हमने जजमेंट गलत कर लिया, ये वेटर नहीं सही में राइटर बनने गया था। अगर आप हार जाते तो वो एक लड़का जो आपका दोस्त था उस कमरे में वो भी हार जाता, और अगर आप हार जाते तो वो एक बंदा जिसने आप पे ये कटाक्ष मारा था आपके पीठ पीछे, वो बच्चे पूरे जीवन बोलता कि देखा मैं सही था। है ना, तो फिर जब आप पे जो 4 लोग बचे होते ना भरोसा करने वाले, उनका भरोसा आप पे से ना टूटे, वो जिम्मेदारी उनकी नहीं आपकी हो जाती कि चलो आप तो गिर, आप एक बार गिरे आप 10 बार और गिर जाओगे, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको उनके आसपास वाले बोले कि जैसे मेरी जो समकक्ष है उनको उनका पूरा परिवार बोल रहा था कि क्या दिमाग खराब हो गया, एक बंदा जो हार्ट पेशेंट है, जो कर्जे में डूबा हुआ है, जो सुसाइडल है, जिसका एक बेटा है जिस पे केसेस चल रहे हैं या अभी ख़त्म हुए हैं, और जो 33 साल की उम्र में ये बोल रहा है कि मैं स्ट्रगल करूँगा, बॉम्बे जाकर राइटर बनूंगा, और राइटर बनूंगा किस बेसिस पे बोल रहा है, बस उसका मन हो गया है। तो एक चीज़ तो ढंग की बता दो कि जिसके बलबूते हम बोले कि अब आप सोचिए कि आप फेल हो जाते हैं, तो वो पूरे लोग उसको पूरे जीवन ये बात बोलेंगे कि हमने तो बोला था गलती कर रही हो। तो आप जब अपने ऊपर गिव अप कर देते हैं ना कि हाँ मेरे से कुछ नहीं होगा, उसके बाद जब आपको ऐसे 4-6 मिल जाए ना कि अरे मैं हूँ, मेरे को मालूम है मेरा खोटा सिक्का चलेगा, तो खोटा सिक्का बिना पाँव के जाके अपने आप को रगड़ के चमका देता है, खुद के लिए नहीं उनके लिए। तो उतना भरोसा माता पिता, छोटे भाई का करियर दांव पे लगा हुआ है, एक लड़की अपना सब कुछ आपको देने को तैयार हो गई, दे दी है, 13 साल नौकरी करने के बाद जो उसकी जमा पूंजी थी वो पूरा 4 साल में मेरे ऊपर खर्च कर चुकी थी, 56 लाख से ऊपर, विदाउट अ कमिटमेंट कि आई लव यू और आई लव यू टू नहीं हुआ था उसने ना इंटरेस्ट। जो आदमी 3.5 करोड़ रुपए के कर्ज में दबा हो और जिसको मालूम हो कि एक एक
फूटा रुपया कोई किसी को मुफ्त में नहीं देता, उसको कोई 56 लाख रुपए उस पर खर्च कर दे और बोले नहीं होगा तो मत देना, आप कैसे उसको फेल कर देंगे? बिल्कुल। तो ये सब लोग थे जिनके कारण मेरे को लगा कि नहीं भाई, आपको मतलब आप रेफरी बन के खड़े हैं और आपको डिसाइड करना है कि ये पक्ष जीतेगा कि वो पक्ष जीतेगा और निर्णय आपके हाथ में, तो आप कैसे इस पक्ष को जिता देंगे? बिल्कुल सही बात, आपको तो इन्हीं को जिताना पड़ेगा। आई एम श्योर ये जो आपने बात बोली ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हिम्मत वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसको एक्चुअली सही साबित करने में लगे हुए हैं, जो वो आवाज़ें जो जिन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा इसका, या जो कुछ गिनती के लोग जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, जिन्हें हमें जिन पर विकी यार चल जो भी होगा तेरा तेरे साथ खड़े हैं, बस हैं तेरे साथ हैं बिना अनकंडीशनल। तो ये आपके दूसरे सवाल का एक्चुअली बॉटम लाइन आपने जो बोला वही है कि उन लोगों की आवाज़ें कान है तो पहुँचेगी हर तरीके की आवाज़, पर उन लोगों की आवाज़ें और उन लोगों का थाट, आप अपने इन लोगों के थाट के ऊपर हावी मत होने दो जो आप पे अभी भी भरोसा कर रहे हैं। You are failing all of them who are still trusting you. तो उसका ख्याल रखना बहुत सही।